टीम इंडिया में एंट्री के लिए दरवाजा पीट रही ये पांच धाकड़ खिलाड़ी एंट्री मिलते ही मचा देंगे कोहराम। गंभीर ने इनको टीम में शामिल करने के लिए निकाल लिया समाधान। भूल जाएंगे विराट कोहली के बल्लेबाजी, सिक्सर किंग सूर्य कुमार यादव भी इनके सामने भरने लगेंगे पानी। विपक्षी टीमों को याद दिला देंगे उनकी नानी। इन पांचों खिलाड़ियों को टीम इंडिया में शामिल होते ही कई खिलाड़ियों का कट जाएगा पत्ता। डोमेस्टिक क्रिकेट में इनका प्रदर्शन देख कांप गए विदेशी खिलाड़ी। अभी तक आपने सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी देखी होगी, युवराज सिंह जैसे धाकड़ खिलाड़ी का सिक्सर देखा होगा, यहाँ तक कि विराट और रोहित शर्मा की भी आपने बल्लेबाजी खूब देखी होगी। लेकिन यकीन मान लीजिए, टीम इंडिया में एंट्री लेने के लिए पांच ऐसे खिलाड़ी बेताब हैं जिनके टीम इंडिया में शामिल होते ही कोहराम मचने वाला है। पाकिस्तान के धाकड़ गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी थर थर कांपने लगेंगे। ये पांचों खिलाड़ी टीम इंडिया में शामिल होने के लिए दरवाजा पीट रहे हैं। गौतम गंभीर को हमेशा से ही युवा खिलाड़ियों पर भरोसा रहता है, ऐसे में गौतम गंभीर इन पांचों खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने के लिए समाधान निकाल चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही। चेन्नई टेस्ट को जीत कर इंडिया ने सीरीज में 1-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद टीम इंडिया के सामने घरेलू मैदान पर ही न्यूजीलैंड की चुनौती होगी। उसके खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेलने हैं और फिर सबसे बड़ी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी। रोहित शर्मा की सेना 5 टेस्ट मैचों के लिए वहां जाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के दौरान ही डोमेस्टिक क्रिकेट में दिलीप ट्रॉफी का समापन हुआ। इसमें मयंक अग्रवाल की कप्तानी वाली इंडिया ए ने जीत हासिल की। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कई स्टार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दूसरी ओर डोमेस्टिक क्रिकेट के कई दिग्गजों ने अभी अपने प्रदर्शन से लोहा मनवा दिया है। अब उनकी नजर भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने पर है। हम उन पांच खिलाड़ियों के बारे में आपको बता रहे हैं जो टीम इंडिया में एंट्री कर सकते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के जाना पहचाना नाम इस खिलाड़ी ने रनों का अंबार लगाया है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो टीम इंडिया के लिए खेल नहीं पाया। अभिमन्यु ईश्वरन को पहले भारतीय टीम से बुलावा मिल चुका है, हालांकि उन्हें अभी डेब्यू का इंतजार है। बंगाल के लिए खेलने वाले इस बल्लेबाज ने दिलीप ट्रॉफी में इंडिया बी की कप्तानी की। इस दौरान उन्होंने 3 मैचों में 309 रन बनाए। वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर है। 29 साल के अभिमन्यु के पास फर्स्ट क्लास में 97 मैच खेलने का अनुभव है। इस दौरान उन्होंने 48.44 की औसत से 7,315 रन बनाए। उन्होंने 25 शतक और 29 अर्धशतक जड़े। इस मजबूत रिकॉर्ड के बावजूद वो अभी तक भारत के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाए। डोमेस्टिक क्रिकेट में आंध्र के लिए खेलने वाले रिकी भुई के पास भी काफी अनुभव है। 27 साल के इस बल्लेबाज ने अब तक 74 फर्स्ट क्लास मैचों में 47.86 की औसत से 5,169 रन बनाए। उनके नाम 20 शतक और 19 अर्धशतक। रिकी भुई ने दिलीप ट्रॉफी के 3 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने इंडिया डी के लिए 71.80 की औसत से सबसे ज्यादा 359 रन बनाए। उन्हें भी टीम इंडिया के लिए खेलने का इंतजार है। भारत के लिए 6 वनडे और 23 T20 मैच खेलने वाले रुद्राज को टेस्ट मैचों में खेलने का अभी भी इंतजार। उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में इंडिया सी की कप्तानी की। उनकी टीम दूसरे स्थान पर रही। रुद्राज ने अपने बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 3 मैचों में 38.67 की औसत से 232 रन बनाए। वो भारतीय टीम की योजनाओं में है और जल्द ही उन्हें टेस्ट टीम में भी मौका मिल सकता है। T20 और वनडे मैचों में भारत के सुपरस्टार बॉलर अर्शदीप सिंह को टेस्ट मैचों में मौका मिल सकता है। बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने दिलीप ट्रॉफी में कहर बरपा दिया। उन्होंने आखिरी मैच में इंडिया डी के लिए कुल 9 विकेट लिए। अर्शदीप ने इंडिया बी के खिलाफ पहली पारी में 3 तो दूसरी पारी में 6 विकेट झटके। इस दौरान उन्होंने भारतीय T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी आउट किया। अर्शदीप के बारे में कहा जा रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चुने जा सकते हैं। भारतीय टीम को टेस्ट में एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की आवश्यकता है, उस कमी को अर्शदीप पूरी कर सकते हैं। IPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके अंशुल कंबोज को फ्यूचर स्टार बताया जा रहा है। हरियाणा के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज के पास तेजी के साथ साथ सटीक लाइन भी है। वो बल्लेबाजों को अपने स्विंग से काफी परेशान करते हैं। अंशुल ने दिलीप ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। उन्होंने 3 मैचों में 16 विकेट लेकर सनसनी मचा दी। अंशुल के ऊपर भारतीय टीम मैनेजमेंट की भी नजर होगी।